तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हर एक ऐप अपने यूज़र के लिए न्यू अपडेट लाता रहता है, उसी तरह हमारे व्हाट्सएप ने इस बार कई सारे अपडेट लाए हुए हैं, जिनमें से बेस्ट अपडेट जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, तो उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, इस अपडेट के बारे में यहां पर मैं एक ही फ़ोन में ये सब काम आपको करके दिखाऊंगा। अगर आपके पास दो फ़ोन है तो आप उसमें भेज के चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी एक ही फ़ोन है, इसलिए मैं एक ही फ़ोन में दो व्हाट्सएप बनाकर आपको बताने की कोशिश किया हूं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिए। जैसे कि आप अपने मित्र या अपने किसी रिलेटिव के पास कोई भी चीज़ भेजते हैं तो वो इस प्रकार दिखाई देती है। आप यहाँ से जाते हैं और गैलरी में जाकर अपना फोटो लेके उसे भेज देते हैं। यहाँ से आप सिंपली सेंड कर देते हैं। सेंड करने के बाद यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग चलता है। प्रोसेसिंग चलने के बाद ये फोटो सेंड हो जाता है। सेंड होने के बाद आप जब वो बंदा अपने व्हाट्सएप में देखेगा तो वहाँ पर आपने आपके द्वारा भेजी गई फ़ोटो यहाँ पर दिखाई देगी। बट अगर आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा भेजा गया फ़ोटो केवल एक बार देखे और उसके बाद वो ना देख सके, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं इस अपडेट के बाद। तो ये अपडेट बहुत ही बढ़िया है। अगर आप चाहते हैं कोई आपका पर्सनल चीज़ है, पर्सनल फ़ोटो या पर्सनल वीडियो है, अपने दोस्त के पास भेजना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो केवल एक बार देख पाए और उसको डाउनलोड ना कर पाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए सिंपली आपको अपने व्हाट्सएप में जाना है। व्हाट्सएप में जाने के बाद आपको अपने गैलरी में जाना है। आपको जिस भी फ़ोटो को लेना है उस फ़ोटो को ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला फ़ोटो हमें भेजना है तो इस वाले फ़ोटो पर लेना है और यहाँ पर क्लिक करना है जो वन लिखा है। इस पर क्लिक करने के बाद ये जब ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन होने के बाद आपको सेंड वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही सेंड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो कुछ इस प्रकार भेजा जाएगा और वो बंदा जब अपना व्हाट्सअप ओपन करेगा तो वहाँ पर उसके मोबाइल में कुछ इस प्रकार दिखाएगा। जैसे ही वो बंदा यहाँ से डाउनलोड करके ओपन करेगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकता है। अगर बंदे के पास माइंड है तो वहाँ पर ये चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेता है तो इसके बाद ये फ़ोटो आप कभी भी नहीं देखने वाला। जैसे कि मान लीजिए यहाँ बैक किया, बैक करने के बाद अब ओपन लिखा है, अब इसे ओपन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये था अपडेट हमारा। इस अपडेट में आप फोटो और वीडियो दोनों भेज सकते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।